दोस्तों, क्या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो और ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, एसेंशियल थिंग्स हैं जो आपको पैक करके ले जाने चाहिए अपने उस ट्रिप के ऊपर, चाहे वो ट्रिप बीच का हो गया या माउंटेन्स का हो गया, क्या ऐसी बेसिक ट्रैवल किट है जो हमेशा आपके साथ में रहनी चाहिए, कौन से ईटरी आइटम्स आपको लेके जाने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लेके जाना चाहिए, टॉयलेटरीज में क्या लेके जाना चाहिए, मेडिसिन्स कौन कौन सी कैरी करनी चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो तो आज एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर अपनी ट्रिप की प्रिपरेशन की जो तैयारी है, जो लिस्ट ऑफ थिंग्स मैं कैरी करता हूँ, वो आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, और आज मैं आपके सामने एकदम नई वीलॉग सीरीज, एकदम नया वीडियो, एकदम नई लोकेशन, एकदम नई माउंटेन रेंज जो है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि दोस्तों, मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ रहते रहते। कुछ ही समय मिल पाता है जब मैं यहाँ यूएस से इंडिया ट्रैवल करूँ, हिमालयस को एक्सप्लोर करूँ, और आपके साथ में अपने हिमालयन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करता रहूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और जगह पर ट्रैवल नहीं करता हूँ। यूएस के अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ, जो मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, वो सारे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। तो मैंने सोचा इस बार जो मैं इस समर, मेरे बेटे की जो समर वेकेशन चल रही है, उसमें जहाँ भी ट्रैवल करूँगा उसका एक वीलॉग बनाऊँगा, और पूरी वीलॉग सीरीज़ जो है हम कैसे ट्रैवल करते हैं यहाँ पर, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और फॉर्चुनेटली इस बार हम यूएस में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इस बार हम जा रहे हैं पेरू, जो कि साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, जो कि माचू पिच्चू, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो नए अजूबे हैं दुनिया के, उसमें ताजमहल भी है और माचू पिच्चू भी उसमें एक आता है। खास बात इसमें यह है कि इसमें इतनी कॉमनैलिटीज हैं जो अपने लद्दाख से जुड़ी हुई हैं, ज़ंस्कार, स्पीति वैली, ट्रांस हिमालय से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो सारा भी हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन है। और ये जो एंडीज माउंटेन रेंज है पेरू रीजन की, जहाँ पे माचू पिच्चू लोकेटेड है, और उसके बियॉन्ड जो जो साइट सीइंग हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो सारा भी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन का पार्ट है। तो भाई, जो अपना एक्लिमेटाइजेशन हो गया, AMS हो गया, इन सब की जो मैं बातें करता रहता हूँ, एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ, वो सारा एक्सपीरियंस इस पूरे ट्रिप में काम आने वाला है। और पूरी प्रिपरेशन जो है इसको ध्यान में रख के करी गई है, और मेरे साथ मेरा बेटा जो है वो जा रहा है। मेरी वाइफ अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पा रही है इस बार, हमें ट्रिप पे कंपनी नहीं कर रही है, क्योंकि उसको ऑफिस से, उसके वर्क से छुट्टी नहीं मिली। तो हमने सोचा भाई, बाप बेटा तो घूम के आए कम से कम। इस सीरीज के पहले वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में जो मेरी ट्रिप की प्रिपरेशन है, क्या आइटम्स मैं कैरी कर रहा हूँ, किस तरह के क्लोथ्स कैरी कर रहा हूँ, किस तरह के मिसलिनियस आइटम्स कैरी कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रख रहा हूँ, कौन सी मेडिसिन लेके जा रहा हूँ, कौन सी नहीं लेके जा रहा हूँ, ये सारी की सारी प्रिपरेशन जो हो रही है उसको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि धीरज भाई, एक जनरल ट्रैवल जब आप करते हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान में रखते हो, और माउंटेन्स जो हैं जब वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान में रखते हो। तो ये सारी ट्रिप प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने सोचा इस वीलॉग के थ्रू इस बार आपके साथ में शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये तैयारी मैं कर कैसे रहा हूँ, इसके लिए हम ऊपर चलते हैं मेरे कमरे में, जहाँ पे मैंने सारे के सारे जो आइटम्स हैं उनको बिछा के रखा हुआ है, और एक एक करके वो सारे आइटम्स, सारी कैटेगरीज जो है आपको दिखाता हूँ, और उनका रैशनल क्या है, क्यों मैंने रखे हैं, किस लिए रखे हैं, क्या सीज़न है ऐसा जो वो आइटम्स रखे हैं, वो सारे के सारे आपको दिखाए जाएंगे। तो ये देखिए, ये कमरा है अपना जहाँ पर हमने इन सारे आइटम्स को बिछा रखा है। अब क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा आपको एक एक आइटम दिखाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं भी फ्रेम में रहूँ, तो इसके लिए मेरा बेटा जो है वो मेरी मदद करने वाला है, उसने मुझे ज्वाइन कर लिया है। बेटा, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो, मेरा नाम प्रत्यक्ष है। सो आप एक्सेंट देख सकते हैं, थोड़ा सा अमेरिकन हो चुका है यहाँ पे। अब धीरे धीरे ये इन व्लॉग्स में आया करेगा और आपके साथ में वार्तालाप करा करेगा, आपके साथ में जो हमारी जर्नीज हैं वो सारी शेयर करा करेगा। तो अब ये कैमरा पकड़ेगा, मैं नीचे बैठूंगा और आपको एक एक करके जो आइटम्स हैं वो दिखाते हैं। लो बेटा, पकड़ना। दोस्तों, मैं आज आके बैठ जाता हूँ और आपको एक एक करके आइटम दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा बैग है, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने जो पासपोर्ट्स वगैरह हैं वो सारे रखे हुए हैं यहाँ पे। तो जितने भी मेरे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस छोटे से पाउच में मैं कैरी करता हूँ। ईजी हो जाता है थोड़ा, अगर आप इनके साथ में, आप एक ही पाउच में सारी चीज़ें रखेंगे तो मैं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, कन्फ्यूज़ सा हो जाता हूँ जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं।
इमिग्रेशन पे चेक वगैरह हो रहे होते हैं, तो मेरे लिए आसान रहता है, एक छोटे से बैग में सारा कुछ रखा हुआ है, वहीं से निकालना है, इस बैग को संभाल के रखना है। तो ये बैग इसके लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे क्लोथिंग है। तो जहाँ हम जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, तो दोस्तों वही लेयर्ड क्लोथिंग वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी चलने वाला है, क्योंकि जैसा अपना लद्दाख है ना, वैसे ही ये सारे का सारा प्लेस है। अपना लद्दाख जब हम जाते हैं तो लेह में जाते हैं, वहां से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, राइट। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। कुस्को नाम की जगह है जहाँ हम जाएंगे, वहां से डे ट्रिप्स करने वाले हैं हम। तो सिमिलर सा है, जैसे जैसे आगे वीलॉग सीरीज में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दर्शन कराएंगे पूरे पेरू रीजन के, जो जो चीजें हम देखने वाले हैं, बहुत ही वर्सेटाइल चीजें जो हैं वो आने वाली हैं, डेजर्ट से लेके, ओएसिस से लेके, बीचेस से लेके, माउंटेन से लेके, बहुत एल्पाइन लेक्स जो हैं, माचू पिचू जो है, सब कुछ इस वीलॉग सीरीज में आपको दिखने वाला है। बट फिर से मुद्दे पे आए तो आप देख सकते हैं मैंने क्लोथिंग यहाँ पे सजा रखी है। अपना टोटल 7 से 8 दिन का ट्रिप है, 7 nights 8 days का। 8वें दिन हम वापस आ जाएंगे दिन के टाइम में। तो उसके लिए मैंने 3 लोअर्स रखे हैं, जीन्स रखी है। जीन्स इसलिए रखी है कि भाई कभी कभी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ कपड़े वपड़े भीग गए तो आप एक कपड़ा जो है एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे यहाँ पे इनर्स हैं, कुछ इनर टी शर्ट्स हैं, और यहाँ पे मैंने 2 sweatshirts रखी हैं, 3 in fact sweatshirts रखी हैं, जिसमें से 2 hoodie हैं। हुडी काम आती है, मेरे सर पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो हुडी मुझे हमेशा चाहिए होती है, क्योंकि जब हवा चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं पहाड़ों के अंदर, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन के अंदर, तो ठंड लगती है और मेरा सर बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, इसलिए मैं हुडी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा मैंने एक ट्रैक जैकेट भी रखी हुई है, जो अगेन मेरे को लेयरिंग में काम आएगी। अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो एक मैंने फ्लीस जैकेट रखी है और एक रेगुलर जो अपना पफर है उसे रखा हुआ है, कि ठंड जो है वहाँ पे वो ठीक ठाक है। आप मान के चलिए कि दिन या रात के टाइम में और सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में ठंड रहने वाली है, दिन का टाइम प्लेजेंट रहने वाला है। तो टेम्परेचर रेंज जो है 2 degrees से लेके और 20 degrees तक वेरी करने वाली है। और इनफैक्ट हम डेजर्ट जो है पेरू में, वहाँ पे भी जाएंगे जो डेजर्ट का रीजन है, तो वहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो उसके लिए कुछ हाफ स्लीव्स भी रखा हुआ है। तो ये पूरा लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता रहता हूँ। पेरू के अंदर बारिश वारिश हो सकती है कभी भी, खास तौर से जो माचू पिचू का रीजन है वहाँ पे बारिशें हो जाती हैं कभी भी अचानक से, तो इसलिए मैंने एक रेनकोट भी रखा हुआ है। और रेनकोट के साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे एक शॉर्ट्स भी रखे हुए हैं। ये कुछ आप देख सकते हैं कि कैप्स रखी हुई हैं और एक वुलन कैप भी है इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, क्योंकि पहाड़ हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, हो सकता है हम ट्रैकिंग भी करें, 16,000 feet तक ट्रैकिंग करेंगे। अभी सोचा नहीं है कि पूरा 16,000 feet तक ट्रैक करके जाएंगे, बट 2 चीज़ें हैं वहाँ पे, एक है रेनबो माउंटेन जो कि बहुत सुंदर दिखता है, शायद वहाँ पे जाएं, वो फाइनलाइज नहीं है, या फिर हम एल्पाइन लेक्स हैं वहाँ पे साथ, उनका ट्रैक करने वाले हैं। तो उन दोनों में से एक जगह जाएंगे, वहाँ पे आई एम श्योर ठंडा होगा ऊपर पहाड़ों के अंदर, तो इसलिए मैंने एक वुलन कैप रखी हुई है, कुछ सॉक्सेस हैं मेरी, एक बेल्ट हो गई, और यहाँ टॉवल हैंकर चीप्स हो गए, और फाइनली शूज़ हो गए। तो स्पोर्ट शूज़ कैरी कर रहा हूँ, हाइकिंग शूज़ कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ़्लाइट में लिमिटेड स्पेस है हमारे पास में, इसलिए इस बार सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट शूज़ कैरी करने वाला हूँ। एक स्लीपर ज़रूर है जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं आपको, मेरे बेटे ने पैक कर लिए हैं अपने सामान के अंदर, वो आपको कभी कभी होटल के अंदर या कहीं पे भी काम आ सकते हैं, तो इसलिए एक स्लिपर ज़रूर रखा हुआ है। अब कपड़ों से आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास में कुछ पेयर्स ऑफ ग्लासेस हैं, एक मेरे सनग्लासेस हैं जो कि पावर्ड वाले हैं, बिना चश्मे के देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक मैंने एक्स्ट्रा पेयर भी रखा हुआ है, बाकी एक मेरे बेटे के सनग्लासेस हैं। यहाँ पे अपना कुछ प्लास्टिक बैग्स हैं, मिसलिनियस आइटम्स में देखें तो ये प्लास्टिक बैग्स दोस्तों काफ़ी बार काम आ जाते हैं, कुछ गीले कपड़े वपड़े हो जाएं तो आप इनको यूज़ करके काम चला सकते हैं। तो कुछ प्लास्टिक के पाउचेस रखे हुए हैं। ये मेरी जो है ये पूरी की पूरी टॉयलेट्रीज की किट है, इसको मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा पूरी क्या क्या हम कैरी कर रहे हैं टॉयलेट्रीज में। यहाँ पे मेरी मेडिकल किट है, इसको भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा पूरी की पूरी की क्या क्या मेडिसिन जो है वो मैं कैरी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि हमारे पास में आइटम्स हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं। तो ये मेरा गोप्रो की किट है, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरीज वगैरह हैं, कुछ माउंट्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्राईपॉड है, ये ट्राईपॉड कहीं भी मुड़ तुड़ जाता है, ये अपना गोरिल्ला पॉड की तरह है, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ट्री की ब्रांचेज वगैरह में लगा सकते हैं, इसलिए इसको मैंने रखा हुआ है। ये मेरा फ़ोन का क्लिप है, एक स्पेयर फ़ोन है, ये मेरा एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव है जिसमें अगर मेरा जो स्पेस है, ऑल दो मैं काफ़ी सारे जो मेमोरी कार्ड्स हैं गोप्रो के लिए वो कैरी कर रहा हूँ, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो सारे मेमोरी कार्ड्स भर गए। इस बार क्योंकि स्पेस लिमिटेड है हमारी फ़्लाइट्स के अंदर जो बैगेज हम कैरी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं
लैपटॉप कैरी नहीं कर रहा हूँ अपना जो मेरे पास में है, इसलिए मैं ये जो अपना हार्ड ड्राइव है वो कैरी करूँगा और इस हार्ड ड्राइव के अंदर सारा जो मेमोरी कार्ड है वो ऑफलोड कर दूंगा जहाँ पे भी मौका मिलेगा। एक मेरे पास पावर बैंक है और ये मेरे पास में एक एयर टैग है जिसके थ्रू मैं अपना जो लगेज वगैरह है वो ट्रैक कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आगे चलें तो आप देखेंगे काफ़ी सारी वायर्स हैं मेरे पास में सारी डिफरेंट डिफरेंट चार्जर्स की, और ये एक मेरे पास में मल्टी प्लग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारी तरह के यूएसबी सी भी हैं, यूएसबी ए भी हैं, तो ये कई सारे पोर्ट हैं और ये अपना वायर्ड हो जाता है। फास्ट चार्जर है ये पूरा का पूरा। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ दोस्तों क्योंकि आप मल्टीपल जो अपने डिवाइसेस हैं वो एक साथ में चार्ज कर सकते हैं और आपको एक ही चीज़ में सारी आपकी वायर्स लगी हुई हैं तो घूमने का भी वो नहीं रहता है, आप इसको उठा के एक जगह पे रख सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत मैं मच जाता था, चार्जर कहीं है, वायर कहीं है, कई बार मिल नहीं रहा, कई बार छूट गया, तो अब ये सारा एक साथ रहता है। अपना एक बार चार्ज पे लगाया, सारे डिवाइसेस रात में एक ही साथ में चार्ज पे लगा दिए। ये अपना ट्रैवल पिलो हो गया। और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ें तो हमारे पास में ये सारे आइटम्स हैं खाने पीने के, कुछ ईटरीज रखी हुई हैं मैंने, कुछ चॉकलेट्स हैं, प्रोटीन बार्स हैं, ये अपने हाइड्रेशन पैक्स हैं दोस्तों, ORS की तरह आप मान के चल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन हम हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं तो हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये कुछ हाइड्रेशन पैक्स हैं जो हमारे डे पैक में रहेंगे। बट इसके अलावा हमारे पास और भी हैं जो बैग में रखे हुए हैं, तो हम ORS के कुछ पैकेट्स भी लेके जा रहे हैं। और ये जो है दोस्तों ये है वाटर बॉटल जो कि रिफिलेबल है, ये आपको हमेशा अपने साथ में रखनी चाहिए। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि पहाड़ों के अंदर आप एक रिफिलेबल वाटर बॉटल लेके जाएंगे तो आप जो वहाँ पे प्लास्टिक का पोल्यूशन है वो कम से कम करेंगे। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स जो होती हैं जो रिफिलेबल नहीं होती या रीयूजेबल नहीं होती, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, उससे बहुत मात्रा में जो है पॉल्यूशन पहाड़ों में होता है। तो आप एक रीफिलेबल वाटर बॉटल जो है वो कैरी करना ना भूलें। मैं वर्ड को प्रनाउंस ही नहीं कर पा रहा हूँ और जो वहाँ के पेरू के वर्ड्स हैं, जो प्लेसेस के वर्ड्स हैं, बहुत ही मुश्किल वर्ड्स हैं, देखते हैं कैसे प्रनाउंस कर करके आपको उन जगह के बारे में हम बताते हैं। कुछ आसान है बट कुछ बहुत मुश्किल हैं। तो जो इस पूरी व्लॉग सीरीज़ के अंदर दोस्तों प्रनाउंसिएशंस होने वाली हैं मेरी उन स्पैनिश वर्ड्स की या फिर वो पेरू के जो लोकल प्लेसेस हैं उनकी, उसके लिए मुझे माफ़ी पहले से ही मांग रहा हूँ। तो जैसा भी प्रनाउंस करूँगा आप समझ जाइएगा कि किस जगह की बात हो रही है। अब लास्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक बुक और एक पेन रखा हुआ है, कभी कभी काम आ जाता है। आप जब एयरपोर्ट पे वेट कर रहे होते हो या तो आप कुछ वीडियोस, डाउनलोडेड वीडियोस वगैरह जो हैं वो देख सकते हो फ़ोन में। अब फ़ोन में डाउनलोडेड वीडियोस में ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि जो आपका स्पेस है, स्टोरेज स्पेस, वो ख़त्म हो जाता है। अब वो क्लाउड में तो आप चढ़ा नहीं सकते हो, सब जगह पे नेटवर्क होगा नहीं, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि डाउनलोडेड कुछ भी ना हो फ़ोन के अंदर। और बेटर है अगर बुक है तो वो कैरी करूँ, एयरपोर्ट में वेटिंग एरियाज वगैरह में काफ़ी काम आता है, फ्लाइट में भी कई बार काम आ जाती है, और इसी बहाने आप एक बुक भी पढ़ लेते हो तो लर्निंग भी हो जाती है। तो ये ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये सारे आइटम्स जो हैं मैं अपने साथ में कैरी कर रहा हूँ। अब जो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि मैं टॉयलेटरीज में क्या कैरी कर रहा हूँ और मेडिसिन बॉक्स में क्या कैरी कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉयलेटरीज जितनी भी हैं मेरी वो सारी खोलता हूँ। अब ये सारी किट मैंने खोल के नीचे गिरा दी है, अब एक एक करके ये आइटम्स देखते हैं अपने टॉयलेटरीज के क्या हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये मेरे पास में एक स्विस नाइफ है विक्ट्रीनॉक्स का, तो ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास में और बहुत ही अच्छी यूटिलिटी है दोस्तों। इसमें इसने बहुत बार हेल्प करी है बहुत सारी ट्रिकी सिचुएशंस के अंदर, तो ये हमेशा मेरे साथ में रहता है। ये अपने कुछ शेविंग हो गए, एक ट्रिमर है मेरे पास में, एक शेवर हो गया, ये आप देख सकते हैं, कुछ टंग क्लीनर्स हैं हमारे पास में, कुछ ब्रशेज हैं, ये जो है अपनी SPF 50 की सनस्क्रीन है। ये दोस्तों बिल्कुल ले जाना मत भूलिएगा, जब भी आप पहाड़ों में जाते हैं तो आपके पास में एक सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपने देखा ही था मेरा क्या हाल हुआ था लास्ट जो मेरी लद्दाख की सितंबर 2023 की ट्रिप थी, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो ये आप मत भूलिएगा ले जाना, वहाँ मैं भूल गया था। अपना हैंड सैनिटाइज़र है मेरे पास में, कुछ मॉइस्चराइजर्स हैं, शैम्पू है, मेरे को काम नहीं आएगा बट मेरे बेटे के लिए, एंड कुछ हमारे पास में माउथ वॉशेज़ हैं इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोल्ड क्रीम्स हैं मॉइस्चराइजर के लिए, ये भी ड्राई वेदर होता है हाई ऑल्टीट्यूड पे तो ये बहुत काम आती हैं, तो ये ले जाना मत भूलिएगा। ये कुछ हमारे पास में लिप गार्ड हैं, अगेन पिछली बार मैं लिप गार्ड भूल गया था लद्दाख ट्रिप में, बहुत बुरी तरह से होठों पे जितना काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ गए थे और स्माइल करने में भी पेन हो रहा था वहाँ पे, तो ये भी मत भूलिएगा। अगेन ये कुछ एक और कंडीशनर है हमारे पास में, ये डिओड्रेंट स्टिक्स हो गई, सोप हो गया,
और ये दोस्तों है सिम किट। अगेन ये पड़ी रहती है एक इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, ऐसे ही रखी हुई है, कभी कभार आपको हो सकता है कि कोई फोन लेना पड़ जाए तो उस पर्पस के लिए बस मिसलिनियस एक पड़ा हुआ है आइटम, टॉयलेटरी नहीं है बट एक मिसलिनियस आइटम मान लीजिए। एक मार्कर भी पड़ा है, ये मार्कर भी कभी कभी काम आ जाता है। तो ये सारी टॉयलेटरीज हैं जो इस बैग के अंदर दोस्तों आ जाती हैं। ये बैग जो है एक्सपेंडेबल टाइप का बैग ले रखा है मैंने, ताकि अगर थोड़ी सी और भी हो जाए तो इसी के अंदर आ जाए। तो ये सारी की सारी टॉयलेटरीज हो गई जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं, और ये सारी टॉयलेटरीज मेरे इस बैग में ही रहती हैं दोस्तों। दोस्तों सीन चेंज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि समहाउ जो बाकी की क्लिप थी हमारी, जिसमें मैं मेडिसिन बॉक्स जो है या मेडिसिन पाउच जो है अपना वो दिखाने वाला था, वो करप्ट हो गई पहले वाले रिकॉर्डिंग के अंदर। तो अब मैं ट्रिप से वापस आ चुका हूँ। ट्रिप से वापस आने के बाद में ये जो मेडिकल पाउच है मेरा, किस तरह से मैंने यूज़ कराया, इसके अंदर क्या क्या आइटम है, वो आपको अब दिखा देता हूँ। बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सीनरी चेंज हुई है और डेट जो है इस रिकॉर्डिंग की वो चेंज हो गई है। तो अब मैं इस पाउच को खोलता हूँ, नीचे बिछाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो मैंने अपने साथ में कैरी करी इस ट्रिप के अंदर, या फिर मैं आने वाले ट्रिप्स में करूँगा या हमेशा करता हूँ। मैं सारी सामान जो है निकाल देता हूँ। तो मैंने सारे आइटम्स बिछा लिए हैं, अब एक एक करके देखते हैं कि मेरे पास में है क्या क्या। तो सबसे पहला आइटम जो है दोस्तों ये है अपना फर्स्ट एड किट। तो इस फर्स्ट एड किट में देखते हैं है क्या क्या दोस्तों। तो एक मेरे पास में यहाँ पे डेटॉल एंटीसेप्टिक लोशन हो गया, आप सेवलॉन डेटॉल ये सब कैरी कर सकते हो। ये कुछ मेरे पास में पट्टी है, अगर आप चोट वोट लग जाए तो आप पट्टी कर सकते हो। देन एक एंटीबायोटिक क्रीम है, अगर चोट लगने पे अगेन यूज़ होती है, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक दोनों चाहिए होती हैं दोस्तों। इनफैक्ट इस ट्रिप के ऊपर मेरे बेटे को चोट लग भी गई थी, तो इस फर्स्ट एड किट का तो फ़ायदा हो ही गया आपने को। ये कुछ पैड्स हैं, कॉटन ले जा सकते हो या फिर ये पैड्स ले जा सकते हो। और बाकी कुछ मिसलिनियस बैंडेड्स हैं मेरे पास में, छोटे मोटे कट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अपना एक फर्स्ट एड किट जो है वो हमेशा रहती है दोस्तों। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जाइएगा कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए सूटेबल रहेंगी, आपकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जनरल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस किस जनरल इलनेस की मेडिसिन जो है वो अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, करनी कौन सी है वो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। ये पूरा डिस्क्लेमर है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मेडिसन्स के, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जाइएगा। तो अब वापस मेडिकल किट पे आएँ, तो एक मेरे पास में यहाँ पे पेट खराब की मेडिसिन है कि अगर आपका पेट खराब वगैरह हो जाता है तो आप कौन सी यूज़ करेंगे। देन मेरे पास में एक पैरासीटामोल आइबुप्रोफिन का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको बुखार में काम आएगा, अगर चोट वोट लग गई है आपको या दर्द हो रहा है कहीं पर तो वहाँ पर काम आएगा। एक ये है, ये मेरे पास में एंटीबायोटिक का कोर्स है, अगर एंटीबायोटिक अगर आपको चाहिए किसी भी वजह से तो एंटीबायोटिक यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। देन हमारे पास में कुछ ORS के पैक्स हैं, मैं आपको हाइड्रेशन स्टिक्स ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट ये कुछ एक्स्ट्रा पैचेस या एक्स्ट्रा पाउचेस जो हैं वो भी अपने साथ में कैरी करते हैं। ये जनरल डिस्प्रिन एस्प्रिन टाइप की मेडिसिन है, अगेन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा, माइनर हेडेक्स वगैरह में काम आती है। ये अपना कोल्ड एंड फ्लू, अगर आपको होता है कोल्ड के सिम्टम्स रहते हैं तो ये मेडिसिन अपनी उसके काम आएगी। ये मेरे पास में एक पैच है जो आपकी कोई नेक स्टिफ हो गई है या बैक पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो आप ये पैचेस जो हैं गर्माहट देते हैं ये पैचेस, तो आप ये उस पर लगा सकते हैं, साथ में गर्म पट्टी बांध सकते हैं उसके ऊपर ताकि मोच वोच आ गई है तो आपको आराम मिल सके। देन मेरे पास एक विक्स वेपर अप है, अगेन सर्दी जुकाम सर दर्द उस तरह की चीज़ों में थोड़ा आराम देता है आपको। देन आगे बढ़ें तो ये एक मेरी खुद की मेडिसिन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग मेडिसिन है जो आपको चाहिए होती है कुछ भी चीज़ के लिए, तो वो आपको अपने साथ में कैरी करनी है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हैं। आप ये रिलाई मत करिएगा कि आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, किसी प्लेस पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मेडिसिन जो है रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगी। तो एग्जिस्टिंग इलनेस की मेडिसिन जो है अपने साथ में हमेशा कैरी करिएगा, क्वांटिटी उस हिसाब से होनी चाहिए जितने दिन का आपका ट्रिप है, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर आप फंस जाते हैं, कोई आपदा आ जाती है, आप रुक जाते हैं वहाँ पे या आपका मन करता है और स्पेंड करने का टाइम, तो आपके पास में मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो जो आपको चाहिए ही चाहिए डेली बेसिस पे। थोड़ा आगे बढ़े तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स हैं मेरे पास में, या गोलियां कह लो, काम आ जाती हैं आपको एनर्जी वगैरह चाहिए हो तो। ये प्लस मेरे पास में लूज मोशंस की हो गई मेडिसिन। देन फाइनली जो एक मेडिसिन है
वो है अपनी आई थिंक ये वॉमिट रोकने के लिए है। मोशन सिकनेस के लिए भी आप मेडिसिन कैरी करें, खास तौर से अगर आपको मोशन सिकनेस होता है तो, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हैं। ना मेरे को होता है ना मेरे बेटे को होता है, तो हमने इस ट्रिप पे मोशन सिकनेस की मेडिसिन नहीं कैरी करी थी, बस वॉमिट रोकने की, कि बाई चांस किसी वजह से तबीयत खराब होती है और वॉमिट लग जाती है तो हमें एक मेडिसिन होनी चाहिए। फाइनल जो आइटम है मेरे पास में वो है नेजल स्प्रे। ये आपकी नाक वाक जब चोक हो जाती है, खास तौर से जब ड्राई एरिया में जाते हो, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, तो वहां पे काम आता है। तो ये नेजल स्प्रे है, नॉर्मल कोई मेडिसिनल स्प्रे नहीं है, सेलाइन स्प्रे है ये। तो दोस्तों ये मेरी बेसिक मेडिकल किट है जो मैं अपने ट्रिप्स पे हमेशा अपने साथ में कैरी करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो जो है जिसमें मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन आपको दिखाई कि क्या क्या आइटम्स मैं लेके जा रहा हूँ अपनी पेरू ट्रिप पे, माचू पिचू की ट्रिप पे, या किसी भी ट्रिप पे मैं किस तरह से प्रिपरेशन करता हूँ, मैं आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपके काम आएगा आगे। अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो नीचे लाइक बटन है, ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए और वहाँ पे मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा इस चैनल के साथ में ट्यून्ड रहे, क्योंकि आगे आने वाला है पूरा वीलॉग सीरीज़ इस पेरू ट्रिप का, माचू पिचू की ट्रिप का। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हुई हैं, आप तो मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि मैं ट्रिप से वापस आ गया हूं इस शॉर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया एंटरटेनमेंट आपका होने वाला है, आपको बहुत अच्छी अच्छी बहुत सुंदर सुंदर जगहें हम आगे दिखाने वाले हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।